झारखंड में लॉकडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बर्बाद। झारखंड में लॉकडाउन का सबसे व्यापक असर कंस्ट्रक्शन उद्योग पर पड़ा है। 22 मार्च से कंस्ट्रक्शन का निजी और सरकारी काम बंद पड़ा है। इसकी मुख्य वजह से कंपनियों के पास कामगारों का नहीं होना, कंस्ट्रक्शन का काम रियल इस्टेट, सरकार की बड़ी सड़क, भवन, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के पुल पुलिया, मेंटेनेंस और अन्य जगहों पर चल रही थी। रियल इस्टेट से जुड़ी 100 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियों के पास अब कोई काम नहीं है, क्योंकि पूर्व और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए मजदूर नहीं हैं। वैसे भी अब यह उद्योग 6 माह पीछे चला जाएगा। राज्य में भवन निर्माण और सड़क निर्माण से जुड़े छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर सब बेहाल हो गए हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के संचालक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आरियो में, लातेहार, बेड़ो और सिमडेगा में काम चल रहा था, वह 22 मार्च के बाद से बंद हो गया है। मशीनें और लेबर वहीं फंस गए हैं। कमोवेश यही स्थिति स्थानीय कॉन्ट्रैक्टरों की भी है, जिन्होंने सड़क नाली का काम लिया था और 31 मार्च तक पूरा करने की उनकी जवाबदेही भी थी। सरकार की तरफ से भी कॉन्ट्रैक्टरों का भुगतान बंद ही है। पहले इलेक्शन की वजह से मार्च के पहले सप्ताह तक भुगतान बंद था। इसके बाद सरकार ने बजट सत्र के दौरान भुगतान का आदेश भी दिया, तब तक कोरोना संकट आ गया। सचिवालय से लेकर संभरणालय में काम बंद है, किसी का भुगतान भी नहीं हो रहा है। CCL के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च CCL द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की थी, सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।